रिया चक्रवर्ती को अब जेल में ही रहना पड़ेगा, बेल रिजेक्ट हो गई है। जी हाँ, सेशन कोर्ट में कल सुनवाई थी और आज फैसला देने की बात कही थी और फैसला आ चुका है कि रिया चक्रवर्ती और उनकी गैंग को बेल नहीं दी जाएगी। अब रिया चक्रवर्ती को 14 डेज तक भाईकला जेल में ही रहना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती के साथ शौविक, सैमुअल, दीपेश, जैद और बसित, इन सभी की बेल रिजेक्ट हो गई है। ये सभी अभी एनसीबी की कस्टडी में हैं और अब इनको अगले 14 दिन तक भी एनसीबी की कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट के बाद काफी ड्रामा जो है वो बॉलीवुड में और सभी तरफ शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती के पिताजी ने भावुक होते हुए लिखा कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया है, बेटा भी जेल में है, कुछ इस तरह के जवाब उनके आ रहे थे। शिबानी दांडेकर ने जस्टिस फॉर की शुरुआत कर दी, जबकि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में पकड़ी गई, ना कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के मामले में। रिया चक्रवर्ती की टीम की तरफ से उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए काफी वीडियोस बनाए गए, काफी आर्टिकल्स छापे गए कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये जो इल्जाम है ये थोपा जा रहा है। लेकिन इसी के बीच में एक वीडियो निकल कर आती है जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद स्मोक कर रही है, रोल सिगरेट का फूंक रही है, धुआं निकलता हुआ इस वीडियो में क्लियर दिख रहा है, जिससे ये बात क्लियर हो गई है कि ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाती थी बल्कि खुद ड्रग्स लेती भी थी। हालांकि इस बेल में, सेशन कोर्ट की इस बेल के एप्लीकेशन में रिया चक्रवर्ती ने ये तक लिखा था कि एनसीबी ने प्रेशराइज करके उनसे ये जुर्म कबूल करवाया, लेकिन उसके बावजूद रिया का और उनके वकील का ये पैंतरा नहीं चल पाया, उन्हें सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिली है। अब आगे अगर उन्हें बेल चाहिए तो उन्हें हाई कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा।